थैंक यू। घर में सब ठीक? और आप? ठीक। आप भी आराम करें और सो जाएं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अफ़वान। जी भाभी, कुछ चाहिए? चाहिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक शिकवा है तुमसे। तुमने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? बाकी सब की तरह तुम भी वैसे ही निकली। मैं तुम्हें कितना एहसासमंद समझती थी। मुझे लगता था कि तुम ही हो एक जो हर एक के दुख तकलीफ का एहसास करते, मगर अफसोस कि तुम भी बाकी सब घर वालों की तरह निकले। कम से कम तुम तो बता सकते थे। भाभी, मेरा यकीन मानो, मेरा खुदा गवाह है कि मैंने बार बार कोशिश की, हर मौके पे कोशिश की, लेकिन बार बार मुझे चुप करवा दिया गया। क्या भी यूं समझे, एक माँ की ममता के सामने मैंने अपना जमीर कुर्बान कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं और ये मानता हूं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने को भी तैयार हूं, लेकिन भाभी एक पल के लिए सोचें कि अगर आप महरोज भाई की जिंदगी में नहीं आती तो हमारे घर में ये खुशियां आती? हम महरोज भाई को इतना खुश देख पाते? मैं आपसे फिर कहता हूं कि आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन मेरा यकीन माने, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। बस यूं समझ लें, किस्मत को यही मंजूर था। क्या हो रहा है ये? आप क्या पूछना चाहती हो तुम? यही कि मैंने तुमसे महरोज की बीमारी छुपाई है? हाँ, छुपाई है, तुम दोनों बहनों से भी और तुम्हारे माँ बाप से भी, ताकि मैं अपने बेटे महरोज को जीने की आखिरी उम्मीद दे सकूं। एनी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, तुम्हारे लिए धोखा हो सकता है, लेकिन मेरे महरोज के लिए उम्मीद की एक किरण है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, हम सब गलत हैं, तो इस घर के दरवाजे खुले हैं, तुम जा सकती हो। और अगर तुम मेरे बेटे को खुशियां देना चाहती हो, उससे मोहब्बत करती हो, तो इन तमाम बातों को भूलकर आगे बढ़ने में ही हम सबकी आफियत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम और एमल अपने मैके में ये बात नहीं बताओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को कोई सदमा पहुँचे। और कुछ? और कब तक हम ये बातें अपने मैके से छुपाएंगे? जब तक छुपा सके तब तक।